नमस्कार, स्वागत है आपका JK 24/7 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत करेंगे गुड मॉर्निंग इंडिया की एक बड़ी और अहम खबर के साथ, जो आपको बताएंगे कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान जाएंगे और G7 की 39वीं समिट में हिस्सा लेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जहां बतौर गेस्ट इन्वाइट किए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 66 साल बाद कोई भारतीय पीएम हिरोशिमा पहुंचेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जो आपको बता दें कि जापान जाएंगे पीएम मोदी और उनका शेड्यूल के मुताबिक पीएम मोदी 19 से 21 मई तक जापान के दौरे पर रहने वाले। तो वहीं जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने भी पीएम मोदी को इस समिट में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया। G7 समिट की अध्यक्षता जापान कर रहा है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां जापान जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इस बीच आपको बता दें कि G7 की 49वीं ये समिट जो है वे होने जा रही है, और समिट से जुड़ी ये महत्वपूर्ण जानकारी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होते हुए नजर आएंगे। इस बीच बतौर गेस्ट इन्वाइट किए गए हैं पीएम मोदी। तो इस बीच 66 साल बाद कोई भारतीय पीएम जो है वो हिरोशिमा के अंदर जा रहे हैं। इससे पहले 1957 की अगर हम बात करें, 1957 में पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू जो है यहाँ गए थे, और एक बार फिर से भारत अपना प्रतिनिधित्व भेज रहा है और इस बीच ये कोई और नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो भारत के प्रधानमंत्री जाएंगे जापान के अंदर, G7 के अंदर शामिल होंगे और भारत का पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, इस वक्त की आम अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जो आपको बता दें कि जापान G7 की अध्यक्षता कर रहा है समिट की, जिस दौरान पीएम मोदी को भी इनवाइट किया गया है और पीएम मोदी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए यहां दौरा करने जा रहे हैं और शेड्यूल के मुताबिक पीएम मोदी 19 से 21 मई तक दौरे पर रहेंगे।